नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल यूनिफैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ में दोस्तों गोरखपुर के लोगों के लिए खुशखबरी की बात है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने गोरखपुर के लिए लाइट मेट्रो को अप्रूव कर दिया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गोरखपुर सिटी में लगने वाला ट्रैफिक गोरखपुर सिटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के रूप में बाधा बन रहा था, जिसको देखते हुए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर साल 2019 में गोरखपुर मेट्रो की DPR तैयार की और उसे अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर 2020 को यूपी गवर्नमेंट ने गोरखपुर मेट्रो के लिए लाइट मेट्रो को अप्रूव कर दिया। दोस्तों, गोरखपुर मेट्रो 2 कोचेस वाली लाइट मेट्रो होगी, जिसमें 2 मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से पहला कॉरिडोर शामनगर से सूबा बाजार तक होगा, जिसे गोरखपुर मेट्रो की रेड लाइन कहा जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 16.95 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर में 16 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। गोरखपुर मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर गुलरिहा से कचहरी चौराहा तक होगा, जिसे गोरखपुर मेट्रो की ब्लू लाइन कहा जाएगा। इस मेट्रो कॉरिडोर की टोटल लेंथ 10.46 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर में 11 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस तरह गोरखपुर मेट्रो की टोटल लेंथ 27.41 किलोमीटर होगी। गोरखपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर धर्मशाला में इंटरचेंज बनाकर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। गोरखपुर मेट्रो एलिवेटेड और अंडरग्राउंड होगी, जिसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखपुर मेट्रो को बनाने की टोटल कॉस्ट 4672 करोड़ होगी और इसका ओनर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि UPMRC होगा। वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 अक्टूबर को यूपी गवर्नमेंट ने गोरखपुर मेट्रो को अप्रूव कर दिया है और साथ ही साथ दोस्तों इस मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी भेज दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल और फंडिंग मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के फेज 1 को कंप्लीट करने की डेडलाइन 2024-25 रखी है और अगर दोस्तों ये लाइट मेट्रो गोरखपुर में सक्सेसफुल रहती है तो फिर इस लाइट मेट्रो को और एक्सपेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।